डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का।
इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है,
8,000 crore में थी भाई डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन ने स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का इसका जो बजट था वो 250 से $300 million का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 million dollars की यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन ने स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का इसका जो बजट था वो 250 से $300 million का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 million dollars की यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की
और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़
रुपयों की कमाई मैंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है, या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था फुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है, या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था फुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठेगा डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है, या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम
कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ
1,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी साधी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठेगा ये डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है, या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठेगा ये डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है, या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठेगा डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है, या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने,
जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे हैं। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085
$85 million की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने। और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट। और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठे गए। द डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने। और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट। और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया
और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे थे। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट,
और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने। साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने। और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे डार्क नाइट राइजेस 2012 की
सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का।
इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है,
नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है। नहीं 8,000 करोड़ बैठे थे। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई उन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है। नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की
और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे थे। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और
सीधी साधी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई होने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8000 करोड़ बैठेगा। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम
कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे थे। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें
तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। का जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है
उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085
$85 million की, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे हैं। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने। और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने। और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की, यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी। और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने
डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे गए। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से $300 मिलियन का रहा था
कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठे डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठे गए डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1,085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000,000 रुपए की कमाई इन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं, पर लगभग यही है। नहीं, 8,000 करोड़ बैठे
डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई इन्होंने की थी और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई इन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे भाई। डार्क नाइट राइसेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का।
इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठेगा ये। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया, और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन ने। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट, और वहीं पे इसने जो कमाई करी थी वो करी थी 1085 मिलियन डॉलर्स की। यानी कि अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो कुछ 80,000 लाख रुपए की कमाई उन्होंने की थी, और उसको भी अगर थोड़ा और सीधी सादी भाषा में कहें तो करीबन 800 करोड़ रुपयों की कमाई उन्होंने की थी। मैं कुछ गलत भी हो सकता हूं पर लगभग यही है, नहीं 8,000 करोड़ बैठे थे। डार्क नाइट राइजेस 2012 की सुपर हीरो फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसको को क्रिएट किया है या इसका स्क्रीन प्ले लिखा है वो लिखा है उसी के भाई ने, जोनाथन नोलन। स्टोरी जो है वो लिखी थी डेविड एस गोयर ने, और साथ ही आपको ये भी बताते चले हम कि ये डीसी कॉमिक बैटमैन के ऊपर बेस्ड है। ये फाइनल इंस्टॉलमेंट थी द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की, और ये सीक्वल था द डार्क नाइट 2008 में आई हुई फिल्म का। इसका जो बजट था वो 250 से 300 मिलियन डॉलर्स का रहा था कुल बजट,